लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में शिंदे और अजीत गुट को बड़ी हार मिली है। शिंदे गुट मौजूदा सांसदों की सीटें भी बरकरार नहीं रख सका है। लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों में से सिर्फ 7 सांसद ही चुने गए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट के खेमे में भगदड़ मचने के आसार हैं। सूत्रों का कहना है कि शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है। ये सभी 6 विधायकों ने ठाकरे समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट के 6 विधायक शिवसेना ठाकरे के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि सभी 6 विधायक उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ठाकरे गुट में शामिल होंगे। ठाकरे समूह के एक नेता ने जानकारी दी कि अगर उद्धव ठाकरे इन 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करवा लेते हैं तो शिंदे समूह के अन्य विधायक भी ठाकरे समूह में शामिल हो सकते हैं। शिंदे गुट के विधायकों के ठाकरे के साथ शामिल होने के सवाल पर ठाकरे समूह के विधायक सचिन अहिर ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने ये दावा नहीं किया कि 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। दिवाली के बाद से कई लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमारे लिए ये मुद्दा अब खत्म हो चुका है। सचिन अहिर ने कहा कि हम अपने लोगों को विधानसभा लड़ाएंगे, न सिर्फ शिंदे गुट में बल्कि अजीत पवार गुट और बीजेपी में भी लोकसभा चुनाव के बाद से बेचैनी है। इस लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट, अजीत गुट या बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। गुरुवार को अजीत पवार की बैठक से 5 विधायक अनुपस्थित थे। विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बाद में अजीत पवार गुट की ओर से प्रतिक्रिया आई कि सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना में बगावत करने के बाद ठाकरे गुट के 13 सांसद अलग हो गए थे। शिंदे गुट ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से केवल 7 ही निर्वाचित हुए, यानी शिंदे गुट को 8 स्थानों पर हार मिली। इनमें शिंदे गुट को मौजूदा 6 सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में हार स्वीकार करनी पड़ी। बीजेपी ने सर्वे के नाम पर शिंदे गुट पर काफी दबाव बनाया था, इसलिए भावना गवली और अन्य को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टिकट देने से इनकार कर दिया। शिंदे के विधायकों को डर है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने ठाकरे समूह से संपर्क करना शुरू कर दिया है।